अगर मुसलमानों का व्हाट्सएप है, अरे भाई चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ भाई। देखो मेरा एक अनुरोध है, मैं अब तक चुप बैठा था, आपके बीच में नहीं बोला। ये महाराष्ट्र हमारा है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। ये हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी का महाराष्ट्र है, ये संजय राउत के बाप का महाराष्ट्र नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग संजय राउत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप महिलाओं का सम्मान ऐसे करेंगे क्या? हम मराठी अस्मिता का सम्मान करते हैं। अगर कंगना रनावत महाराष्ट्र के खिलाफ बोलती है या मराठियों के खिलाफ बोलती है तो हम करनी सेना सबसे पहले कंगना रनावत के खिलाफ खड़े होंगे। परंतु जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग संजय राउत कर रहे हैं, यह शिवसेना की सभ्यता दर्शाती है। अरे तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र है क्या? संजय राउत के बाप का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र हिंदुस्तान का भी नंग है। शिवसेना के संजय राउत अपनी भाषा को संयमित करें, महिलाओं का सम्मान करें। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम भी यही पूछ रहे हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं कि क्या संजय राउत जो कह रहे हैं वो सरकार में रहते हुए शिवसेना को कहना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए? क्या गृह मंत्री ने जो बयान दिया, सोचना चाहिए?